अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जहांगीर, मेरे साथ हैं हमजा और आप देख रहे हैं हमारे चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। सो गाइस, द फैमिली मैन सीजन 2 जो है वो आ चुका है, ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। बेसिकली अपन ने ये सीजन कब आ रहा है, मैं बल्कि एक दिन पढ़ रहा था कि कल देख रहा था, कल शाम को मैंने देखा था कि उनका ना एक टाइटल चल रहा था अमेज़न का कि किस किस ने ये ट्रेलर देखा है, किसने नहीं देखा और कैसा लगा है, आ जाएगा तो लोग जो है ना यार भेज दो जल्दी, तो उसके परसेंट लगाया था, क्लिक करना था। तो वैसे तो तकरीबन 70% ने देख लिया हुआ था, ठीक है, और 30 में हम लोग थे, लेकिन उसमें 17% ऐसे भी थे जो कि ये लिख रहे थे कि यार कब आएगा, ठीक है, और हम थे उसमें 10% में जिसमें कि अभी तक नहीं देखा, और वो हम हैं जो अब देखने वाले हैं कि ट्रेलर कैसा है, ठीक है जी। तो लेट्स तो चलते हैं, वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। श्रीकांत, जॉब बदलने में बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ होगा ना? श्रीकांत, I never see you at any activities in the office. In this new world, it's not enough to do the bare minimum. Remember, Shrikant, do be a minimum guy. अच्छा जी। That's good, my boy. Do it. जोर से मत फूंक, पीछे से हवा निकल जाएगी। ओके शिखा, तुम पांच चीजें बताओ फॉर विच यू आर ग्रेटफुल टू सुचेता। पांच चीज। टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन पा, यू गाइस आर नॉट इवन टॉकिंग टू ईच अदर। कभी कभी तो मुझे लगता है ना कि मैं मुंह खोलता हूँ झगड़ा शुरू हो जाता है। यू नो व्हाट, आवर होल मैरिज इज अ शैम। शैम? बोगस। देखे उन्हें तर्जमा किया है, मीनिंग्स बोले हैं। हॉस्टेज सिचुएशन में फंसा हूँ। बता ना क्या हो रहा उधर। बता रहा क्या हो रहा। तेरे को ना फोमो हो गया है। मैं जाऊँ एकदम खुश। फोमो लोलो रोफलो और मिलने लो। Our intel suggests there's an unexpected coalition between the ISI and the rebels. पता करो इन लोगों का प्लान क्या है। Welcome to the hot and happening Chennai. किस रहा है रोज तू फल मिलेगा कम। Hello sir, Umayal here, local police, Chennai. He's calling JK. Okay, JK sir. Just JK. चले? JK. मिशन इतनी रेडी था नहीं राजी। उसको कह रहा जे के कहना है। I think we are under attack. Ninja Tara, UK. Shrikant, you can become knowledgeable from others' knowledge, but you cannot become wise from others' wisdom. मुझे भी कोट आता है। कभी-कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जो जीता वही सिकंदर इसके। Shrikant. भाई बहुत ही लाजवाब किस्म का ट्रेलर था। अच्छा, इसके अंदर अगर देखिए ना, तो जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है फैमिली मैन में, कि वो जो फाइट और उसके साथ साथ जो फैमिली को साथ लेके चलते हैं ना, वो बड़ा मज़ेदार होता है। यही फैमिली मैन, यही तो मतलब। हाँ, यानी कि आप देखें कि बाहर उस बंदे की इतनी ज़्यादा वो रेपो है, हर जगह पर है, दहशत है, लेकिन घर के अंदर वो अगर हम कहें ना, वो कुत्ते वाली हो रही होती है। अच्छा, क्या ख्याल है। तो कभी बच्चों से, कभी बेगम से, वो देखो वो क्या कह रहे थे, उसको मीनिंग चेक कर रहा था। अच्छा, बोगस लाइफ हो गई है, ख़राब हो गई सारी, ठीक है। बेचारे को फैमिली के अंदर जो है ना, उसको सही उसके साथ वो लगा रहता है, बुरी होती रहती है, लेकिन बाहर उसकी बड़ी ज़बरदस्त है। ये भी एक बेसिकली मजाक है, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही इनके फ़नी किस्म की भी होती है फैमिली में जब होते हैं, तो एक अच्छा मैसेज आ रहा होता है कि घर में आप ऐसे रहें, ठीक है, और हमेशा बंदे को सख्त नहीं रहना चाहिए ना, और उस तरफ जब बाहर जाए ना, बाहर की तो स्टोरी एक अलग अलग स्टोरी, अंदर की अलग। और उस कहानी में जो हमने देखा है कि टेररिस्ट अटैक जो होते हैं उनको रोकने की इनके
सारी जिम्मेदारी ज़्यादातर इन्हीं के ऊपर होती है, ठीक है। और जैसे सीज़न वन में था इसी तरह सीज़न टू में भी हमें इस तरह की देखने को मिलेगी, और लेकिन कुछ अलग अंदाज से, कुछ नए तरीके से, ठीक है। स्टार्टअप में दिखाया गया कि उन्होंने जो है वो जिसे कहते हैं ना कि ऑफिस से बाहर रह के जो काम करने वाले थे वो उनको ऑफिस के अंदर रहना पड़ता है, श्रीकांत साहब को, तो ऑफिस के अंदर रहते वो थोड़ा सा उनको बड़ी मुश्किल हो रही होती है, यार ये क्या चक्कर है, क्या ज़िंदगी है। फिर फ़ोन करके पूछ रहे होते यार मज़ा आ रहा है यार बता है? तो वो बड़ा इंजॉयबल मोमेंट होते हैं, लोग भी मुझे यकीन है जब ये जगह आएगी तो बड़ा इन्जॉय करेंगे। सही बात। लेकिन वो कौन सी टाइम होगा जब वो उनको कहा जाएगा कि आ जाओ भाई अब फील्ड में, वो देखने वाली बात है। सही बात है। वो पिछले सीजन में बड़ी लाजवाब परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने फैमिली मैन में, और ये टॉप 10 अगर लिस्ट देखें वेब सीरीज की तो उसमें पहला दूसरा नंबर इसका। सही बात है, इतनी अच्छी है ये। सो गाइस हम भी बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं सीज़न टू का, और आप भी कर रहे हैं, देखते हैं जी अब क्या होता है आगे, क्या बनता है। ये था वीडियो, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा जरूर बताएगा। जाने से पहले आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कीप वॉच पाकिस्तान रिएक्ट्स।